दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत देश के सबसे लंबे ब्रिजेस के बारे में। देश में बने ये ब्रिज लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुए हैं। इनसे यातायात तो आसान हुआ ही है, साथ ही साथ इन ब्रिज के बनने से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगने वाले वक्त में भी कमी आई है। तो चलिए बिना देर की आपको बताते हैं भारत देश के 10 सबसे लंबे ब्रिज कौन से हैं। नंबर 1, ढोला सादिया ब्रिज। दोस्तों भारत का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया पुल माना जाता है। दोस्तों इसका ऑफिशियली नाम भूपेन हजारिका पुल है। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाली सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर और चौड़ाई 12.9 मीटर है। ये पुल न सिर्फ भारत का ही सबसे लंबा पुल है बल्कि ये एशिया का दूसरा सबसे लंबा पुल भी माना जाता है। इस पुल को 26 मई 2017 में सभी के लिए खोल दिया गया था। इसको बनाने की शुरुआत 2010 से हुई थी और इसके बनते बनते 4.5 साल इसको लग गए और इसकी फिनिशिंग हो जाने के बाद इसे लोगों के लिए शुरू किया गया था। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में सरकार का 10 बिलियन तक का खर्चा आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया था। इस पुल के बनने से पहले लोग नदी नाव से पार करते थे और बारिश के दिनों में यहाँ बाढ़ आने का खतरा बना रहता था, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद लोगों को काफी सुविधा हुई और असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्टिविटी भी काफी बेहतर हुई है। नंबर 2, महात्मा गांधी सेतु। ये पुल बिहार की राजधानी पटना में है। ये पटना से वैशाली जिले को जोड़ता है। ये पुल उत्तर दक्षिण में गंगा नदी पर बना हुआ है। एक ही नदी पर बना ये सड़क पुल दुनिया का सबसे लंबा पुल माना जाता है। इसकी लंबाई 5,750 मीटर है। ये पुल काफी पुराना है। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा 1982 में किया गया था। ज्यादा पुराने होने की वजह से सरकार इसे नया रूप देने की सोच रही थी और सरकार ने कुछ साल पहले ही इस पर काम भी शुरू कर दिया था, जो कि इसी साल जून में पूरा हो गया। इसमें कई नए बदलाव करके इसको और भी ज्यादा मजबूती से बनाया गया है। गांधी सेतु के पुनर्निर्माण में 1800 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जा चुका है। बिहार का महात्मा गांधी सेतु पुल गंगा नदी पर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला जीवन रेखा पुल भी माना जाता है। इस पुल से आम जनता के लिए यातायात काफी आसान हुआ है। नंबर 3, विक्रमशिला सेतु। देश के बिहार राज्य में ही मौजूद एक और ब्रिज है जो कि इस देश का सबसे लंबा ब्रिज है। जी हाँ दोस्तों, विक्रमशिला सेतु पानी पर बना हुआ देश में 5वें नंबर पर सबसे लंबा पुल है। ये पुल 4.7 किलोमीटर लंबा 2 लेन वाला पुल है। भागलपुर के पास बना ये पुल गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। NH-80 और NH-31 के बीच ये पुल एक लिंक का काम करता है। ये पुल दक्षिण तट के बरारी घाट से उत्तर तट पर नवगछिया तक है। साथ ही में ये पुल भागलपुर को पूर्णिया और केथिर से भी जोड़ता है। इस पुल की भागलपुर और गंगा स्थानों के बीच सड़क यात्रा की दूरी को काफी कम कर देने में महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। यहाँ की जनता खुद बताती है कि इस पुल की वजह से उनकी यातायात में कितनी मदद मिली है। दोस्तों देश में सभी के लिए यातायात जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन ब्रिजेस की वजह से यातायात में काफी सुविधा मिलती है और वक्त भी कम लगता है। यही वजह है कि इन ब्रिजेस का भी देश के लिए और जनता के लिए बहुत महत्व है। नंबर 4, वेम्बनंद रेल ब्रिज। कोची में बने इस रेलवे ब्रिज की लंबाई 4,620 मीटर है। इसी के साथ ये पुल भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल कहलाता है। इसका निर्माण 2007 से शुरू होकर 2010 में जाकर पूरा हुआ था। इस पुल को बनाने में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इस पुल में 132 स्पैन लगाए गए हैं, जिनमें 20 मीटर के 33 स्पैन और 40 मीटर के 99 स्पैन शामिल है। ये स्पैन PSC गार्ड से बने हुए हैं और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को पूरा करते हैं। ओवरऑल इस पुल को बेहद मजबूती के साथ बनाया गया है और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि इस ब्रिज को बेहद खूबसूरत भी बनाया गया है। यही वजह है कि इस ब्रिज का नाम सबसे खूबसूरत ब्रिज में शामिल किया जाता है। जी हाँ, ये ब्रिज इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि दूर दूर से टूरिस्ट भी इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं और आप भी इसे देखने के लिए यहाँ घूमने जा सकते हैं। नंबर 5, बांद्रा वर्ली सीलिंग। ऑफिशियली इस ब्रिज का नाम राजीव गांधी से लिंक है। ये ब्रिज मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में बांद्रा को दक्षिण मुंबई में वर्ली से जोड़ता है। इसी वजह से इस ब्रिज को बांद्रा वर्ली पुल के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस पुल की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों इस पुल की कुल लंबाई 5.6 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई को 8 लेन चौड़ा बताया जाता है। बांद्रा वर्ली पुल देश का चौथा सबसे लंबा पुल माना जाता है। इस ब्रिज से बांद्रा और वर्ली के बीच की दूरी 30 मिनट से घटकर सिर्फ 10 मिनट की ही रह जाती है। इसकी आधारशिला खुद बाल ठाकरे ने 1999 में रखी थी। इसको बनाने में 16 बिलियन रुपयों की लागत आई थी। इसको पूरा तैयार होने में 5 साल की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसको बनाने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। 24 मार्च 2010 को ये पुल सभी के लिए खोल दिया गया था। नंबर 6, नेहरू सेतु। सोन नदी पर बना रेलवे पुल नेहरू सेतु के नाम से जाना जाता है। ये पुल बहुत ज्यादा पुराना है। बताया जाता है कि नेहरू सेतु को 1900 में लोगों के लिए खोल दिया गया था। उस वक्त ये ब्रिज दुनिया का दूसरा सबसे लंबा क्रेन रेल ब्रिज था। इसको बनाने में 35 लाख की लागत आई थी और 3 साल में ही ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया था। इस हिसाब से इस पुल को 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर इसका नाम भारत देश के सबसे लंबे ब्रिज में शामिल किया जाता है। इसकी कुल लंबाई 3,059 मीटर है। ये रेलवे ब्रिज पूर्व मध्य रेलवे जोन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के डेहरी सोन रेलवे स्टेशन में लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व दिशा में बना हुआ है और इस पुल के पश्चिम दिशा में डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन है, जबकि पूर्व में सोने नगर रेलवे स्टेशन है। दोस्तों इस ब्रिज को अपर सोने ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल इस ब्रिज के ज्यादा पुराने होने की वजह से और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है। नंबर 7, जवाहर सेतु। भारत के राज्य बिहार में ही एक और सेतु बनाया गया जिसका नाम जवाहर सेतु है। ये सोन नदी के ऊपर बनाया गया एक ब्रिज है जो कि देश के सबसे लंबे ब्रिज की लिस्ट में शामिल किया जाता है।
है। इस ब्रिज का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। यह डेहरी सोननगर और सोननगर के बीच बनाया गया है। 1963 में बनाया गया यह ब्रिज 3061 मीटर लंबा ब्रिज है और इसको 1963 में गैमन इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। बताया जाता है कि इस ब्रिज का डिजाइन इंजीनियर शांताराम एस कश्यप ने पूरा किया था। नंबर 6 मुनगर गंगा सेतु। भारत के राज्य बिहार में मुंगेर जगह पर बना सबसे लंबा पुल है। ये गंगा नदी पर बना ऐसा तीसरा पुल है जो रेल सह सड़क पुल है। आपको बता दें कि 3692 मीटर लंबे बने इस पुल की लागत 9300 करोड़ आई थी। मार्च 2016 में इस पुल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खोला गया था, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए ही खुला था। अप्रैल 2016 में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद ये पुल यात्रियों के लिए भी खोल दिया गया और 2022 में इसके सड़क पुल का उद्घाटन भी हो चुका है, जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया था और अब ये पुल सभी के लिए चालू है। नंबर 9 गोदावरी सेतु। ये पुल भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य में बना हुआ है। गोदावरी सेतु को कोवर राजमुंद्री पुल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एशिया का दूसरे नंबर पर बना सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल है। ये पुल 2.7 किलोमीटर लंबा पुल है। गोदावरी से 1970 में बनना शुरू हुआ था और 1974 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। इस पुल में 226 करोड़ की लागत लगाने के बाद इस पुल से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। इस पुल पर से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। नंबर 10 दीघा सोनपुर रेल सेतु। दीघा सोनपुर पुल या जेपी सेतु गंगा नदी पर बनाया गया एक रेल सह सड़क पुल है। दोस्तों, ये पुल भी बिहार के ही राज्य में बना हुआ है। इस पुल का जेपी सेतु नाम भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। ये पुल बिहार के उत्तरी इलाकों और दक्षिण हिस्सों में आपस में जोड़ता है। 4556 मीटर लंबे इस पुल का उद्घाटन 2016 में हुआ था। ये एक स्टील ट्रस ब्रिज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे भारत देश के सबसे लंबे पुल। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।